ये भैया यूट्यूबर हैं, ये देखो दिखाओ पैसा कितना कमाया तुमने, ये देखिए $447 1.6 मिलियन व्यूज का, ये क्या चैनल मोनेटाइज करा के किसी को पैसे देके मोनेटाइज करके पैसा कमाया तुमने? नहीं, हम एक रुपए नहीं दिए। आपका चैनल दिखाइए, क्या है चैनल दिखाइए। ये भैया देखे, ये देखे एसके भैया ब्लॉग्स, और ये देखे चैनल मोनेटाइज है, $8 भी बन गया है। ये देखे, ये है सच्चाई, ये देख लिया आपने प्रूफ। ये $500 कमाया है अभी 1.6 मिलियन व्यूज का लास्ट 28 डेज में। तो हम चार दिन पांच दिन में कमाए $500, चार पांच दिन में कमाया इन्होंने। कौन सी वीडियो डाला है सच बताइएगा? हम गए थे सारा आरिफ वाली डाले, तो सर ने बोला था कि जाओ वीडियो बनाओ, तो सर के हम सुनने से तुरंत पहुंच गए, और हमारा आरिफ सारस के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये तुरंत मेहनत किए और काम किए दादी की रसोई पे, आज $500 कमा लिया इन्होंने लास्ट 28 दिन में, करीब 40,000 के करीब। ये भैया आपका चैनल मोनेटाइज कब कब हुआ था सच बताइए? अभी 2 दिन हुए हैं। अभी 2 दिन? किस वीडियो से? लास्ट टाइम कितने दिन से काम कर रहे थे आप? काम लगभग 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से हो गए थे। आपने कोई परचेस किया था क्या बताओ? नहीं, परचेस नहीं किया। उनके मुंह में तमाचा है, जूता मारने का काम है। जितने भी लोग जो वेबसाइट्स है ना, जो वॉच टाइम पेड वॉच टाइम में सब्सक्राइबर लेके आपका चैनल पेड सर्विस दो देती हैं, उनके मुंह में जूता है वीडियो। सर मैं कहना चाहता हूँ कि 1% अगर आप लोग कभी जीवन में 1 रुपए नहीं कमा पाओ, कटी चमन्नी अगर आप लोग पेड वॉच लिस्ट ले लो ना, तो कोई चमन्नी आपको नहीं मिलेगा। और सुनिए, ये कोई मैं पैसे देके किसी को नहीं बुलाया हूँ। कल वीडियो बनाया था ना, ये लोग खुद चल के आए, हम सर के पास आए हैं, खुद चल के आए हैं। सर बताइए ऑडियंस को कि हमने खुद के दम पे किया है और $500 ये कमाए हैं। अगर आपने चैनल मोनेटाइज करा लिया ना, अरे क्या मतलब थू है ऐसे तुम्हारे यूट्यूब करियर पे, अगर तुम यूट्यूब का एक क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पा रहे हो, 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर खुद के दम पे नहीं कर पा रहे हो, तो घंटा क्या यूट्यूब पे क्या घास छिल ले कि घुइया छिल ले आओ? कितना मेहनत किया तुमने ये बताइए? जेन्युइन तरीके से सर हमने पूरा सब कुछ कंप्लीट किया, 1 भी रुपए किसी को नहीं दिया, कूटी पूछ लो कौड़ी नहीं दिया, और हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से आए हैं कि मैंने कल वीडियो बनाया था, और ये तुरंत आए कि नहीं सर हम दोनों लोग आपस में रहते हैं, एक ही गांव के, साथ में ही काम करते हैं। आपका भी अर्निंग चालू हो गया? जी, किसी को पैसा तो नहीं दिया? नहीं, किसी को 1 रुपए नहीं। बहुत सारे लोग दिखाते थे ऐसे करिए 49 रुपए में 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे ब्लॉगर हैं, राधा की रसोई, देख लेना रसोई। दादी की रसोई चैनल जाके देख लेना कितने व्यूज आए हैं, कौन किस पर वीडियो ज्यादा आपकी वायरल हुई है। हमारी तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो वाली दादी की रसोई, हमने खाना बनाया दादी के साथ दिखाया था दादी का, और उसके बाद हम बना रहे थे वीडियो थोड़ा सा चैनल डाउन, उसके बाद जैसे आपका वीडियो हमने देखा और वहां पे गए आरिफ अलग, हम लोग तुरंत एक्टिव होकर तुरंत पहुंचे समझपुर, आरिफ पे जाके तुरंत मेहनत किया इन्होंने। हाँ, हम सर बता दें घर में बैठ के चूड़िया थोड़ी ना पहनी आप लोगों के, जैसे समझपुर पच्छी बिहार गए थे हम लोग, कुछ सुबह से गए थे सर 5-4 बजे यहाँ पे नहा धो के, और वहां पे दिन भर हम सारस को ढूंढ रहे थे, और वहां पे ढूंढे वहां पे मतलब चारस लुकाया गया, तो वहां पे पुलिस वाले वीडियो भी बनाए नहीं दे रहे थे। फिर वहां से हम 11 बजे रात के लौट के आते, सुबह से लेकर शाम तक खाना भी नहीं खाते, पानी नहीं पिए थे, और ये होता है। उसके बाद दूसरे दिन सर जैसे ही कानपुर के लिए सारस रवाना किया गया गाड़ी से, तो हमने उसी टाइम पे तुरंत डिसीजन लिया कि हम लोग कानपुर निकलते हैं, वहां सारा ढूंढते हैं कहां पे आखिर सब लोग देखना चाहते हैं। तुरंत गए कानपुर, वहां पे जब देखे जाके तो हमको पता चला कि यहाँ पे सारा बंद है, कैद है, तो हम उसी वीडियो को रिकॉर्ड किए और वहां से लोगों से रिव्यू लिया, तब जाके वहां पे लोगों से रिव्यू लिया। जैसे ही हमने शाम के अपलोड किया, वहां पे हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था, हमने अपलोड किया, देखा रास्ते में हम लोग देख रहे थे 50,000 घंटे, 1 घंटे में 50,000 व्यूज आते 1 घंटे में। देख लो एक इनका आपका भैया पता है कितने पहले कितना वॉच टाइम था, सही सही बताया, 2000 के आसपास, 2000 था खुद की वीडियो डाल रहे थे जी, और आपने सारस का वीडियो डाला जी, आपके चैनल में देखा कि आपने डाला है, आप भी आ रहे हैं, तो हमने कहा यार हम लोग भी चलते हैं। हम लोग भी समझपुर पच्छी बिहार गए, वहाँ दिन भर रहे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाए। अच्छा। और उसके बाद दिन भर रहने के बाद शाम को रास्ते में इनसे कहते हैं आप अपलोड करिएगा, हम गाड़ी चला रहे हैं, और ये अपलोड करते हैं और धीरे से उठने लगता है। देख लो वॉच टाइम ऐसा मिल गया, एक ही वीडियो से इनका वॉच टाइम, एक ही वीडियो से वॉच टाइम पूरा हो गया, 1600-1700 सब्सक्राइबर हो गए धड़ाक से। पहले उसमें डालते तो 8-10 हजार से भी ज्यादा नहीं, 2-3 महीने चैनल चला। सही समझ रहे हो, तो जेन्युइन टू पर एक ही वीडियो आपकी बहुत ही सब कुछ पूरा कर सकते, जिंदगी बदल देगी आपके। जो चैनल का वॉच टाइम जो लेके लिए 6,000 या 5,000 दे रहे हो ना किसी को, ये सारे जितने फ्रॉडी वेबसाइट वाले हैं, जितने ये जो लैपटॉप से इतने देते हैं ना, एक काहिल बना रहे हैं, तुमको काहिल बना रहे हैं। अभी भी शर्म हो तो समझ जाओ, वरना इनके चक्कर में पड़ जाओगे, इनका तो पेट भर जाएगा। अरे मैंने आज तक तुमसे पैसा लिया, फ्री में आपको सिखा रहा हूं,
बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ भाई। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, जो लोग सब्सक्राइबर के या उसमें जहां से फंसते हैं पेड वॉच टाइम के चक्कर में, सब्सक्राइबर खरीदते हैं उन लोग से हाथ जोड़कर, अगर आप लोग अच्छा खासा पैसा या करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग जेन्युइन तरीके से काम करिए, किसी के झांसे में मत फंसिए। यहाँ पे लोग बैठे हुए आपको लूटने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, मजबूरी का फायदा उठाएंगे तुम्हारी मजबूरी का, क्योंकि झांसा देंगे कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसा, पैसा कैसे मिलता है बताओ इनको पैसा भाई। आप अगर जेन्युइन तरीके से काम करो तो पैसा आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पैसा व्यूज का मिलता है या सब्सक्राइबर का मिलता है? ना तो सब्सक्राइबर का एक रुपया नहीं मिलता वहां पे, मिलता है तो सिर्फ व्यूज का मिलता है, जो आपका एड चलता है उसमें मिलता है पैसा। जब व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहां से कमाओगे? चैनल मोनेटाइज करा भी लिया पैसे देके, जब ससुरा तुमको ये नहीं पता कि व्यूज कैसे लाना है, जब वही नहीं आएगा तो पैसा कहां से बनेगा? एक एक डॉलर बनने में ना नानी याद आ जाएगी, याद रखना, अभी भी समय है, समझ जाओ। और दूसरों को अपनी मजबूरी का फायदा मत उठाने दो, ये साले आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और हमें धमकाएंगे, हमें धमकी दे रहे हैं साले मेल के थ्रू, हम आपको आपका वीडियो डिलीट करवा देंगे, चैनल वो हम आपके अंगेंस्ट एक्शन लेंगे, साले हमको धमकी दे रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे? जो उखाड़ना उखाड़ दो, डरते थोड़ी ना है साले। जब तुम गलत काम कर रहे हो तो कर रहे हो, लोगों का काहिल बना रहे हो, मैं खुलकर बोल रहा हूं काहिल बना रहे हो। अगर 4000 घंटे का वॉच टाइम खुद के दम पे नहीं पूरा कर सकते, ये दोनों लोग एग्जांपल हैं, ऐसे एक एग्जांपल नहीं कितने सारे लोग हैं एग्जांपल हैं, और कितने लाखों के चैनल्स ना मोनेटाइज करे हैं पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका, कुटी कोड़ी नहीं कमा रहे हैं। अगर भाई किसी ने अगर खरीद लिया वॉच टाइम या कुछ भी पेड सब्सक्राइबर या घंटे, तो आप एक डॉलर तो छोड़ो पॉइंट में डॉलर बढ़ेंगे, कभी दियो 6 महीने रगड़ जाओगे फिर भी ये $100 नहीं पूर कर पाओगे दोस्तों। हम जानते हैं इसकी काली सच्चाई क्या है पीछे, उसके कैसा यहाँ पे काला धंधा लोग चला रहे हैं बैठ करके। आपकी सिर्फ मजबूरी, क्योंकि आपको लगता है ना कि सिर्फ मोनेटाइजेशन ऑन होने से ही आप पैसा यूट्यूब से लाखों कमाएंगे, ना जीवन में नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद के दम पे कुछ सीखेंगे नहीं, चैनल को आपने कैसे ग्रो किया है, कैसे आपको व्यूज लाना है, कैसे आपको, आप खुद जब मोनेटाइज करेंगे ना तब आपको एहसास होगा, आपको तरीके पता होंगे, तभी तो आप पैसा कमा पाएंगे अच्छा पैसा। किसी को आपने 6-7 हजार दे दिया और आपको चैनल मोनेटाइज करके दे दिया, उसके बाद क्या होने वाला है आपको खुद नहीं पता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने भी 2019 के पहले लॉकडाउन से पहले मैंने $10,000 कमाए थे, $10,000। हमारे गुरु जी इनके साथ हम दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, ये था यूसी ब्राउजर पे, यूसी ब्राउजर पे वहां पे काम किया, हम लोग रात दिन मेहनत करते थे वहां पे, लेकिन यूसी ब्राउजर बैन हो चुका, अब बंद हो गया, तो हम लोग इसीलिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, कर रहे हैं। इतना लेट क्यों लग गया, उसका रीजन है कि हम लोग बहुत दिन से मतलब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग परेशान, उसमें सिलेक्शन हो गया। दादी की रसोई, आपका चैनल क्या भैया? एसके भैया ब्लॉग, एसके भैया ब्लॉग, ये अपनी वाइफ के साथ गाने गवा के वीडियो बनाते हैं, जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, भले ही तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, 6 महीने लग गया इनको, लेकिन लोग इनको पहचानेंगे जानेंगे, धीरे धीरे पैसा बनेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि तुरंत पेड़ अगर कोई लगता है तो फल कब देता है, उसको बढ़ता है, उसको सेरा पना पलता है, वो दवा पड़ती है, बहुत समय लग सकता है, बीमार भी हो सकता है, नई शुरुआत भी करनी पड़ सकती है। ये नहीं कि चैनल पहले बनाया सीखा ना घूसा, पहले सीखा वीडियो डाला, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, मोनेटाइज नहीं हो रहा, हाँ भैया ले लो 7000 बाद में, उसका तो पेट भर जाएगा, वो तो धंधा खोले बैठे ससुरे। ये साले सब तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा था, मैंने सोचा ठीक है बंद करेंगे, मगर साले अपनी लिमिट क्रॉस कर दिए, साले तुमको खुद यूट्यूबर बना रहे हैं और अपने चैनल पे क्या मुझे पैसा नहीं मिलता क्या? पैसा तो हमें भी मिलता है ना, हमें क्या है 1-2 लाख रुपए कटता है, हम भी चाहे आपको बता दे लो इधर से वॉच टाइम ले लो, लेकिन हमें पता है वो तरीका गलत है। आज हम स्पॉन्सरशिप करके एंड्रॉइड एप्स अर्निंग एप्स का लेके हम कमा लेंगे, लेकिन जो हम काम आपको बता रहे हैं, जो यूट्यूबर बना रहे हैं और हमें आपको उसी लाइन पे आपको बताएं कि सब्सक्राइबर पेड वॉच टाइम ले लो, ये नहीं बताएंगे कभी, और ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। वो साले जो बता रहे हैं पता नहीं क्या चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि जैसे हो रगड़ते रहो, और जो ये दस्तों सिस्टम रख दिया आपका वॉच टाइम चालू हो गया, यहाँ पर जो सक्सेस नहीं हो पाता ना वो मजबूरी का फायदा आपके उठा के वो सबको वॉच टाइम पेड सर्विस देना चालू कर देता है और धंधा खोल देता है तुरंत, साला बिजनेस अपना खोल देता है, समझ जाओ अभी भी समय है, वरना जहां आज खड़ा हूं ना ये जो विद्यालय है सपना का सपना रह जाएगा, जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। $500 कमाया है इसने 28 दिन में अपने दम पे। जी 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 सर बिल्कुल, अपने दम पे कमाया है, किसी को एक फूटी कौड़ी देकर चले नहीं मोनेटाइज कराया इसने। कभी नहीं, हमने बहुत सारी मेहनत भी की है और काफी दिन से और भी चैनल भी काम कर रहे थे। अरे कुछ काम सीखो तो, तरीके तो समझो, शर्म आती नहीं है बाद में बुल की बात है, सर हमारा उसने पैसा लूट लिया, उसने पैसा लूट लिया। दादी की रसोई।
रसोई एसके भैया ब्लॉग्स, दोनों का चरम मोटाइज है, ये दौड़ के खुद आए हमारे पास। जी जी जी, कि सर हम अपनी ऑडियंस को बताइए ये चीजें गलत हो रही है, सच्चाई क्या है जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है, समझ रहे ना, हो रही है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या असल सच्चाई क्या है, काली सच्चाई उसकी क्या है, क्यों लोग इस तरह गरीबों को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अरे 100 में से अगर एक कमाने भी लग जाएगा तो 100 में से 99 क्या होगा, घुसिया छीलेंगे क्या, बताइए। कुछ नहीं होने वाला उनका, जो जो भी करेगा ना, तरीकों को समझो, मेहनत करो, बात समझ लो, बार बार नहीं बताऊंगा, बता रहा हूं एक बार, और कोई मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है यहां पर, समझे, जो उखाड़ना जिसका उखाड़ ले, साले लुटेरे, गरीब जनता को साले पेड वॉश टाइम, साले तुमसे तुम्हारा चलना था, तुमसे चलना चला, इतनी औकात तो है नहीं तुम्हारे, खुद का चलना तो साले चलना चला नहीं पाए, 1,00,000 सब्सक्राइबर टट्टी बने रह गए साले तुम लोग, और साले लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम, बहुत गलत हो रहा है ये लोग, मतलब छोटे नए क्रिएटर के साथ आने वाले उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धमकी दे रहा मुझको, धमकी देगा तू साले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, कुछ नहीं कर पाओगे अभी, फतेहपुर वाले चक्कर में पड़े नहीं कुछ नहीं है साले फ्रॉडी, लोगों के जब गरीबों का पैसा जो लूट रहा है ना इस तरीके से, इस तरीके से मत लूट, वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। और जो भी मैं आगे आने वाली, मैं जो भी दूंगा, मैं 50 माइक देने वाला हूं आप लोगों को, आप लोगों को 50 माइक देने वाला हूं, वायरलेस माइक आप लोगों को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे आने वाली नेक्स्ट जो स्पॉन्सर वीडियो करूंगा उससे मैं आप लोगों को दूंगा, और जो स्पॉन्सर वीडियो करूं उसमें कोई भी, देखो हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, हम आपको वॉच टाइम पेड नहीं कराए रहे ना, सब्सक्राइबर अर्निंग ऐप्स से, अर्निंग वेबसाइट से उनका स्पॉन्सर करेंगे, जो भी बताएं अपने सोच समझ के पैसा ऐड करिएगा, सब भाग जाती है, भरोसा किसी पे मत करिएगा, सोच समझ कर, हमारा काम है एडवर्टीजमेंट करना, जैसे यूट्यूब एडवर्टीजमेंट करता है लोगों का, नहीं ये जो लोग बेच रहे हैं ना आप लोग ऐड चला चला के सर्विस, इनको तो यूट्यूब को इनका तो वीडियो ही बंद कर देना चाहिए, चैनल डिलीट कर देना चाहिए, जो ये पेड सर्विस करे बैठे यूट्यूब के ही लाइन पे आने के लिए लोगों का किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, अपना अपना साला धंधा खोले बैठे हैं, 2,00,000 खर्चा करेंगे और तुमसे 20,00,000 कमाएंगे। सही, बिल्कुल सही बोला सर आप। अगर डेली 4 बंदे 10 बंदे में मिल गए ना, डेली का इनका 1,00,000 की अर्निंग हो जाएगी पेड वॉच टाइम वालों की, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लगे पड़े हो वही उनके चक्कर में, फेक चक्कर में लगे पड़े हो, ये जेन्युइन तरीके से काम किए हैं तो अभी भी शर्म हो तो थोड़ा बहुत समझ जाइएगा, बस समझ रहे। और 50 में माइक दूंगा, वायरलेस माइक आप लोगों को दूंगा, जो भी इस महीने स्पॉन्सरशिप करूंगा, बात समझ रहे, कैसी भी मैं अर्निंग वर्निंग सब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझको, क्योंकि एटलीस्ट उन वीडियो से ना 50 लोगों को माइक तो दे पाऊंगा वायरलेस, 5 फोन पिछले महीने दिया, इस महीने 5 माइक देने, 50 माइक देने वाला हूं, 50 माइक, कितने 50 माइक आप लोग, ये जो वायरलेस माइक देख रहा हूं ना, ये वाले 50 माइक देने वाला हूं अपने क्रिएटरों को, अपने YouTube फैमिली को, जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए जिनके पास प्रॉब्लम है, नहीं है माइक, मैं दूंगा उनको, लेकिन कैसे दूंगा, आप लोगों से कमा के दूंगा, स्पॉन्सरशिप के सिर्फ पैसे दूंगा, बात समझो, तो हमारा काम है जैसे अर्निंग एप्स के हम स्पॉन्सर करते हैं, तो हमारा काम है एडवर्टीजमेंट करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहती कि आप उसमें जाके ज्वाइन होइए, कहिए आपकी मर्जी है जाइए, नहीं मर्जी कोई बात नहीं, बात समझ रहे हैं आप, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेगा, और ये जो बिचारे आए ना इन लोगों का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में देख लेने, आंखों से ना आंसू ना टपक जाए, औकात पता चल जाएगी क्या है रियलिटी। तो दोस्तों सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस भाई के भी चैनल को देखिएगा, देख लीजिएगा, दोनों का चैनल मोटाइज हो गया, खुद आए हैं चल के मेरे पास कि नहीं सर लोगों को बताइए किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, उस चीज को रोका जाए, मैंने अभी आवाज नहीं उठाई थी, पहले उठाई थी, लेकिन फिर वही धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, समझ रहे हो ना, आज 90% लोगों को चरम मोटाई नहीं, धीरे धीरे मेहनत करोगे 80 होगा 70 होगा, कम होगा रेशियो, मेहनत करोगे तब, समझ रहे हो तुम दोस्तों, सफलता की कोई शॉर्टकट है ही नहीं सर, 6 महीने से काम करते करते एक दिन में हो गया, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना बस, और कुछ नहीं, यहाँ चिन्नी चोरी करके नहीं आए हो, वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।